दोस्तों नमस्कार, हमारे YouTube चैनल हेल्थ फिटनेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं ग्लाइकाइंड एम टैबलेट के बारे में। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी बातें करके देंगे, तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यान से देखिए, तभी आपको ग्लाइकाइंड एम टैबलेट के बारे में अच्छे से जानकारी मिल पाएगी कि यह टैबलेट किस में काम आता है और इसका क्या साइड इफेक्ट है, कैसे प्रयोग किया जाता है, तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो इससे पहले अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा तो आप अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे इन वीडियो की अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाएगी। तो आइए जानते हैं ग्लाइकाइंड एम टैबलेट के बारे में। इसमें दो साल्ट मिलाया गया है और यह मार्केट में हर जगह अवेलेबल है। आप किसी भी केमिस्ट के दुकान पे इस टैबलेट को आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं और लेने से पहले आप इसका एक्सपायरी डेट एक बार आप ज़रूर देख के लें। और ये 10 टैबलेट का जो MRP है 75 रुपये इसका MRP है। तो ग्लाइकाइंड एम में 2 साल्ट मिला कर इस टैबलेट को बनाया गया है। पहला जो साल्ट है इसका ग्लाइकलाजाइड और दूसरा जो साल्ट इसमें मिलाया गया है मेटफार्मिन, इसमें मिला के ग्लाइकाइंड एम टेबलेट को बनाया गया है। अब आइए जानते हैं इस टेबलेट को प्रयोग किस में किया जाता है। ग्लाइकलाजाइड को का उपयोग टाइप 2 डायबिटीज़ मेटलेट्स में रक्त शर्करा का स्तर को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, जब आहार, शारीरिक व्यायाम और वजन कम करना पर्याप्त नहीं होता है। और दूसरा जो साल्ट है इसमें मेटफॉर्मिन, यह एक मधुमेह दवा है जो कि टाइप 2 मधुमेह रोगियों को रक्त शर्करा को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह टेबलेट को आप डायबिटीज़, जो शुगर की समस्याएं होते हैं, जो शुगर से ग्रसित है, वहां पे इस टेबलेट को आप प्रयोग कर सकते हैं। और कैसे प्रयोग किया जाता है आइए जानते हैं इसके बारे में। इस टेबलेट को आप एक बार सुबह खाली पेट प्रयोग कर सकते हैं, डॉक्टर के अनुसार दिन में 2 बार भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आप इस टेबलेट को प्रयोग करें तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इस टेबलेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। और इस टेबलेट को साइड इफ़ेक्ट क्या होता है आइए जानते हैं इसके बारे में। इसका ज़्यादातर कुछ खास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, फिर भी इचिंग होना, मतली आना, चक्कर आना या सर दर्द की समस्याएं होना, अगर ये समस्याएं हो रही है तो आप इस टैबलेट को तत्काल बंद करें और बंद करने के बाद अपने नज़दीकी डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही इस टैबलेट को आप प्रयोग कर सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं के लिए इस टैबलेट का प्रयोग ना करें, डॉक्टर के सलाह के अनुसार ही प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा तो आप अपने ज़रूरतमंद लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारे न्यू वीडियो की अपडेट या नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।